बोल। वो मेरा भी था। अब बोल क्यों नहीं रही? वो रोने लग गई तो। वेलकम बैक अमर स्वैग। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर शूट पे आज बहुत दिनों बाद, और तुम्हारे भाई के प्रेसिंग वाले बाल मतलब स्ट्रेट वाले बाल कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बता देना। और आज हमारे साथ है दीपू और कविता स्वैग। तो आज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? एनएसपी जा रहे हैं, मतलब दिल्ली हार्ड। देखते हैं, मतलब प्लान अभी कुछ बना नहीं है, बस में बैठने के बाद पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी बस की तरफ, मतलब चौक पे चलते हैं, वहाँ से बस पकड़ेंगे या मेट्रो वेट्रो का जो भी सीन होगा वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ब्लॉग थोड़ा सा भी मिस मत करना, मतलब थोड़ा सा भी स्किप मत करना, और चलते हैं स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं दिल्ली हाट। ये सामने दिल्ली हाट है, अभी चलते हैं वहाँ पर दिल्ली हाट। और ये है नेताजी सुभाष प्ले। और ये अपना दिल्ली हाट। तो चलते हैं अभी अंदर, कविता को घुमाते हैं, कविता को फर्स्ट टाइम है ना, चलते हैं फिर अंदर देखते हैं क्या होता है। वो सीन हो गया, वो नहीं बताया। हाँ गाइज अभी अपने साथ एक सीन हो गया, चोर आज मेरा आईफोन चुरा लेता। आईफोन या वाला फोन? एंड्रॉइड। हाँ एंड्रॉइड वाला फोन जो वीवो का है ना, चले जाता। लेकिन चला जाता तो अच्छा नहीं रहता ना वो चीज। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चोरी कर रहे थे वो लोग, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एक बंदे से पकड़ा भी गया था, अभी बताता हूँ आप लोगों को। पहले चलते दिल्ली आ। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? कौन सा? नेताजी सुभाष प्लेस के पास होता है दिल्ली हाट। एक साल के बाद आया, मैं अभी तेरे से पहले ही आया था। और ये यहाँ से एंट्री फीस लगती है 20 रुपये पर बंदे। और कविता स्वैग जाएगी आज फर्स्ट टाइम, कैसा एक्सपीरियंस होने वाला बताइए लास्ट में। तो ये यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से मिलते हैं टोकन। तो अंदर चले या नहीं चलना? नहीं यार, चलना कहीं साथ में बैठते आराम से, देखने का। चलो देखते हैं। तो गाइस अभी अंदर लग नहीं रहा कोई है, लेकिन ये देख सकते हो गाइस। गाइज ये बोल रहा है दीपू कि ये कुतुब मीनार से ऊंचा है। तो गाइज कमेंट करके बताना ये कुतुब मीनार से ऊंचा है या नीचा है। एनएसपी है दिल्ली लड़कियाँ। तो गाइज ये लड़कियाँ ताड़ रही हैं अभी दीपू को, दीपू से साइड बोल रहा। और कविता कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आई लड़की। अच्छा लगता है। हाँ भाई, क्या बोलती है हर बार? बहुत अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बस, अच्छा लगता है लड़की। अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, विश्राम थोड़ी रिलैक्स हो रही है। तो अभी जाएंगे अंदर, और अभी कविता की वीडियो शूट हो रही है यहाँ पर, और एक दो वीडियो शूट करते हैं फिर जाएंगे अंदर। जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे, नहीं तो वापस यहाँ से कहीं और का देखेंगे, नहीं तो सीधा घर चले जाएंगे। पहले बहुत गर्म है भाई। गर्म है तो धूप भी तो बहुत तेज हो रही है। तेरा फेमस होने का क्या फायदा, कोई तो जानता नहीं तेरे को है कविता है? कोई तो जानता नहीं तेरे को, अभी तक किसी ने भी नहीं बोला है कविता, बता तो दे क्या हो गया है। कोई क्या हो गया, नहीं पता ना, पहचान लेंगे भाई है कविता, कभी बता तो दे। अब बोल नहीं रही है कुछ, बोल। अब बोल क्यों नहीं रही, वो रोने लग गई तो। कोई पहचान नहीं रहा तो रोएगी, इसका मतलब इधर तो देख, इधर देख। गाइस देखो रोने लग गई, कोई पहचान नहीं रहा कविता स्वैग को, तो ये देखो आंसू निकाल रही है, देख रो रही है। तो पागल है क्या? कविता स्वैग जानने वाले मिल गए। तो गाइस अभी कविता का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पर। कविता को डर लग रहा था कि कोई जानता नहीं, लेकिन अभी इन लोगों ने पूछा आप लोग वीडियो बनाते हैं यहाँ पर। वो लड़की सरवा रही है। हेलो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या नाम है वैसे आपका? शेरनी। हम जा रहे हैं दिल्ली हाट से सीधी की तरफ, और फ्रेंड को करते हैं बाय बाय। चला चल चल जल्दी, बाय बाय। ये देखो पास से बिल्कुल। चला आ जा कविता। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दिल्ली हाट से वापस घर की, नहीं घर की तरफ। यार दीपू कहाँ? अंदर क्या करेंगे अंदर, ना मजा नहीं आ रहा कोई, मतलब ज्यादा लोग नहीं है। तो अब चलते हम। ओ पता है इन लोगों ने पहचान लिया,
ये पता क्या बोल रही है, आप वीडियो बनाते हो और डेयर दे रहा था मैं इतना अच्छा, जब बोल मेरे को पहचानते हो भाई, इतना अच्छा होता कि बोल देती हाँ भाई पहचानते है। अभी देख अभी वैल्यू बढ़ जाती कविता से कि रो रही है वहाँ पर। तो गाइस अभी ये रहे गेट, अभी यहाँ से निकलेंगे हम, अंदर नहीं गए आज, नहीं तो कविता स्वैग को अंदर भी घुमाते, क्राउड ही नहीं है पहली बात, गर्मी है ना इस वजह से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सीपी की तरफ, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट सीपी में। सीपी में कहाँ? सीपी। तो भाई साहब अभी हमारा प्लान हो गया था चेंज, इसलिए हम आ गए लाल किला। कविता बोली थी भैया मैंने लाल किला नहीं देखा, तो लाल किला देखा था मैंने, इंडिया गेट देखा था वो भी स्कूल की तरफ से। हाँ ये स्कूल की तरफ से इंडिया गेट गई थी। अभी जहाँ हाँ सब कुछ दिखा दें, लेकिन ना लेकिन मेरे को बोलने दोगे कुछ? हाँ यार चुप करा देते अब ना, पहले ना इसमें पैसे किराया वो नहीं लगता था टिकट, लेकिन अब टिकट लगता है। मेला लगा है, मेला लगा है मेरे ख्याल से। चले क्या? पैसे पैसे वैसे भी तो नहीं है यार। तो अभी कौन चल ही रहा है, शाम में चलेगा क्योंकि शाम में बढ़िया माहौल होगा, क्राउड होगा वहाँ पर। अभी चल भी नहीं रहा। तो गाइस अभी देखते हैं जामा मस्जिद जाएंगे, इसे जामा मस्जिद भी दिखा देंगे आज। चांदनी चौक का भी इधर है साइड में, रोकजब भी नहीं जा रहे, बहुत साल पहले रोकजब रोकजब भी नहीं जा रहे भाई साहब। तो गाइस ये है जामा मस्जिद और यहाँ पर है बढ़िया बढ़िया कपड़े से ले तक जूते चप्पल जो लेना है वो लो और हटो। कविता स्वैग का है हमारी, और कविता स्वैग कैसा लग रहा है आज घूम के? है कविता रिंग लाइट है और बाकी ये जामा मस्जिद है मेरी। तो गाइस ये देखो कितने के हैं, कितने कितने के, कितने कितने के? 300। कहाँ लिखा है? तो भाई यार दिखाइए एक बार, दिखाइए वही दिखा, वो दिखा वही वाला दिखा वही। गाइस देखो कितने प्यारे जूते मिलते हैं यहाँ पर, जामा मस्जिद है और यहाँ पर मिलते हैं कितने प्यारे प्यारे। कितने के ले, कितने के भैया? 350। बढ़िया लगा भाई। कितने क्या? 100 रुपये। ओहे लड़कियों के लिए। कविता अच्छी लग रही है लेकिन पैसे नहीं है घर। चल मेरा तेरा हार्ट है अच्छा है। थोड़ा थोड़ा मेकअप का भी सामान है भाई इसमें, अरे हैं डब्बी पे डब्बी सरप्राइज देने के लिए किसी को, रिंग विंग है, ये शीशा है, शीशा बढ़िया है ना। कविता कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कविता? क्या बोलते पैसे नहीं। चलो फिर अमर कितने दिनों बाद आया? वो गया था फोन लेके आ गया। हाँ तभी वीवो का लिया था। हो गए 2 दिन से। कविता कैसा लग रहा तुझे? कविता कैसा लग रहा? गाइस हम लाल किला पे थे अभी और यहाँ से पूरी यहाँ से चलते हुए आए थे। देखो कितनी दूर, कितनी भीड़ हो रही है गाइस। देखो अभी वैसे भी क्या चल रहे हैं वो, रमजान चल रहा है, रमजान चल रहे हैं तो और ज़्यादा भीड़ है। नहीं तो यहाँ पर इतनी भीड़ रहती नहीं है वैसे। नहीं नहीं मीठी ईद है, मीठी। तो गाइस जामा मस्जिद भी आके जा रहे हैं हम, चलते हैं और वहाँ पर रुआबजा वगैरह पीते हैं फिर घर की तरफ चलेंगे या सीपी भी जाएंगे। सीपी अब टाइम ही नहीं है तो ऐसा करते हैं पहले रुआबजा पीते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। अच्छा कविता समझ गए। और यहाँ पर देखो दीपू फोटो शूट कर रहा है, ओ हो गया फोटो शूट। तो यहाँ पर फोटो शूट हो रही है और देख सकते हो कितनी भीड़ है, बाकी अंदर और ज़्यादा भीड़ है इसलिए अंदर नहीं गए, बाकी आप बाहर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ है अंदर। 20 का ज़्यादा है क्या? हाँ ज़्यादा है। चलो फिर नीचे, ये मत बोलिए, ये चांदी के नहीं है बता रहा हूँ, ऐसे मजे ले रहा है। तो गाइस अभी सीपी आ गए थे हम लोग, सीपी भी पहुंच गए लेकिन खाना अभी तक नहीं खाया हम लोगों ने, बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी खा ली। और यहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है इधर पीछे, क्या चीज़ है दीपू? अच्छा तुम बताओ तुम अपने
अपनी राय रखो, ये वो बहस करते बहस करवाते, मतलब ये होता ना अपने चैनल के टीआरपी बढ़ाते हैं जो भी। वो तिरंगा कहाँ अपने देश का कहाँ गया, मतलब निकाल ले भी लगा ही नहीं, गंदा हो गया यार। तो गाइस अभी बहुत थक चुके थे हम, पानी की बोतलें भरवाई दो और अब फिर खाएंगे। अभी खाना यहाँ पर पराठे लेके आए हैं घर से, तो वो खाएंगे। युवा ही निकालो, हाँ भी निकाल लें, चलो तुम बंद करो। क्या बंद करो भाई, तभी अपना गर्म कर दो, भी खा लेते हैं फिर। भाई ऐसे दिखा नहीं सकते क्या, क्या दिखाओगे यार, नहीं यार खाना, खाना मेरा खाना मैं नहीं, पनीर रोटी लेके आऊँगा मैं नहीं। तो गाइस अभी खाना खाते फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये है सीपी और ये है दीपू। सीपी दीपू कविता और अमर स्वैग, और अभी चल रहा है पानी, खाना वाना हो गया अपना और शाम में हुआ आज खाना, तो चलते हैं अब घर की तरफ। चले भाई, सुबह से तो खा रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत खा रहे थे। हाँ चलो, और पानी की कितनी बोतलें ले रही होंगी हमने, हैं बहुत ज़्यादा यार, 100 से ऊपर पानी पानी पी जाऊँगा पूरी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी बज रहे रात के 2, तो लाइक कर दो। ओए अभी बज रहे रात के 2 और लाइक कर दो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो अभी रात के 2। तो कमेंट कर देना, मिलता हूँ ऐसे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखो अपना और जय माता दी।